हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर आई नई रेसिपी और आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, काफ़ी यूनिक रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो देखने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहें। इसलिए मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए एक बार आपको वो बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आधा कटोरी सूजी ली है और एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया। इसको मैंने नॉर्मल साइज का प्याज लिया, मीडियम साइज का, उसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद मैंने हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स दोनों ली। आप चाहे तो इन दोनों में एक स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों का दोनों ही लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पीनट लिया है और पीनट को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और 5 से 6 मैंने कड़ी पत्ते लिए। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने और ये मैंने बचे हुए चावल लिए हैं। सुबह के बचे हुए चावल आप रात में बना सकते हैं, बचे हुए चावल आप कैसे भी मर्जी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ये लिया एक कच्चा आलू। और इसको बनाना कैसा फ्रेंड्स, तो मैं आगे आपको वो बता देती हूँ। स्टार्ट करेंगे तो मैंने ये मिक्सी जार ले लिया है, तो इसमें मैं बचे हुए चावल डालूंगी और चावल के बाद मैं डालूंगी आलू को। मैंने 3 से 4 टुकड़ों में काट लिया है और आलू को साथ में डाल देंगे। और इसके बाद जो मैंने पीनट रोस्ट किया था ये भी साथ में डालेंगे और इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पहले मैं पानी डाल देती हूँ। इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डालूंगी, तो पहले मैं इतना ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने तैयार कर लिया तो एक बार देख लेते हैं। मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा पानी और डाला था, पूरा 1 गिलास पानी लगा है। तो आप ये बैटर जब बनाएंगे जार में, तब उस टाइम आप देखिए कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। एक साथ पानी ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। तो आप देख सकते हैं कितना थिक है। तो मैं इसको एक बाउल में पलट लूँगी। और देखिए कितना थिक बैटर है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सूजी मिलाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी साथ में, इस तरीके से। मैंने आधा कटोरी सूजी ली है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा और लेंगे, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा और थिक करना है। आधी कटोरी सूजी मैंने पूरी डाल दी है, तो मैंने आधी कटोरी सूजी और ली है, तो इसमें थोड़ा सा डालूंगी पहले। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मोटी है या बारीक वाली है, दोनों सूजी इसमें आराम से आ जाएंगी। सूजी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने इसमें सूजी डाली है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स ढक के, क्योंकि जो सूजी है ताकि अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको ढक के छोड़ना है, खुले में नहीं रखना है। और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और इसको इसी तरह से ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने बैटर को। आप देख सकते हैं सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। तो मैं अब इसमें मिक्स करूंगी प्याज, अपनी पसंद की भी सब्जी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, कॉर्न वगैरह, काफी सारी चीजें होती है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें मैं मिर्च डाल रही हूँ दोनों, और इसको पहले मैं मिक्स करूंगी अच्छे से। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और बहुत थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैंने पहले से ही 2 चिली यूज करी है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ, तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे दोबारा हम। बैटर को मैंने रेडी कर लिया है, तो इसके लिए हम एक तड़का पहले रेडी करेंगे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है, खाने वाली चम्मच से। और इसके बाद तेल गर्म होते ही मैं इसमें डालूंगी सरसों के दाने। तेल गर्म हो चुका है, तो मैं 1/2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ सरसों के दाने। इसको अच्छे से चटकने देंगे, और सरसों के दाने अच्छे से चटक गए हैं, तो अब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी तेल गर्म है, तो कड़ी पत्ते इसमें अच्छे से पक जाएंगे। अब मैं इसको डालूंगी बैटर में। बैटर को हम दोबारा मिक्स करेंगे इस तरीके से, और अब हम पैन रखेंगे गैस पे। और ये मैंने गैस पे पैन रख दिया। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसे ग्रीस करना है हमें, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें बैटर को डालूंगी।
और इसे थोड़ा थोड़ा सा फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरीके से। हमें इसे टिक्की की शेप, जितनी टिक्की होती है उसी शेप में हमें इसे बनाना है, और इसी तरीके से हम सारी टिक्की टाइप की बना लेंगे। पैन बड़ा है तो मैंने 4 से 5 एक साथ रखे हैं, अगर पैन छोटा है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और इसे हमें टिक्की की शेप में बनाना, और गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, और नीचे ऊपर से हम थोड़ा सा और डालेंगे ऑयल इस तरीके से, और पैन को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे ताकि ऑयल सब में अच्छे से लग जाए। और इसे धीमी आँच पर पकाना, जितनी धीमी आँच पर इसे पकाएंगे उतना ही क्रिस्पी बनेगा। और ये एक साइड से अच्छे से सिक गए तो मैं इसे पलट लूँगी, आप इसे जितना पतला हो सके उतना पतला डालें इसका बैटर, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक गया है। इसी तरह से हमें सारे को सेकना है और हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने बहुत ही अच्छे से सेक लिया है और ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तो आप देख सकते हैं नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे, तो चलिए सर्व करते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बचे हुए चावल का हमने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया, काफ़ी क्रिस्पी और यूनिक नाश्ता है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब आप एक्स्ट्रा चावल बनाएंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, और आपके चावल फिकने से बचेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपका नाश्ता कैसा बना मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वाली रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, अगर आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एंड शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।